हजरात ग्रामी अस्सलाम वालेकुम। बात यह है कि कासिम साहब ने हमारे साथ बहुत ज्यादती की है। ये जो टांगरी बहादुर का इलाका है, टांगरी बहादुर पूरी बल्कि अगर नाल मलिका बहुत भी इलाका है, असा पूरी जिंदगी जावेद साहब ने वालद साहब डॉक्टर सिकंदर के वालद साहब और ठेकेदार जैब के वालद साहब इसके साथ पक्के रहे, इसकी पूरी पूरी सपोर्ट करते रहे। जहाँ जहाँ भी घर घर जाके मतलब है लोगों के साथ बड़ा आराम के साथ बड़े प्यार के साथ इसकी इसके हक में ऐलान कराए। ना मेरे वालद साहब तो पहले अली मोहम्मद साहब है, वो तो स्टार्टिंग में सुना। इस वास्ते अगर यह सीट जो इसने वायदा किया था, अगर उसने वालद साहब से ज्यादती किया, बहुत ज्यादती की है, इसलिए हाजिर अगर इसने ये बातें करते रहे हैं, हम इसकी जमात के साथ नहीं जाना चाहते, हम इस आदमी के साथ नहीं जाना चाहते। आइंदा देख लेगा क्या बात होगी। ऐ देखो जब इलेक्शन हमारे हुए हैं ना, हमने टांगरी बहादुर ने पूरे पूरे लोगों ने सपोर्ट किया है, पूरे आवाम ने सपोर्ट किया है, बंदा अपना कामयाब किया है, बंदा कामयाब किया है। इस वास्ते मैं आज गुजारिश करता हूँ कि हम टांगरी बहादुर के लोग जितने भी हैं ना, ये इसके साथ फुल तम करते रहे हैं। चौज मजीद को कासिम को ऐसा नहीं अब करना चाहिए था, हमारा हक देना चाहिए था उसको, हमारी पूरी पूरी मदद करनी चाहिए थी, पूरी पूरी सपोर्ट करनी चाहिए थी, हमारे साथ चलना चाहिए थे, हमारे साथ राय करनी चाहिए थे, मगर उसने नहीं की। तो ये बहुत बढ़िया हमारे साथ जाती है, ये बहुत जाती है हमारी। इस वास्ते ये जो बात वो करता है तो हम इसके साथ हमारा आइंदा कोई तलक वास्ता नहीं, कोई तलक वास्ता नहीं होगा। हम और आदमी बेशुमार जमात के बंदे हमारे हैं, उनके साथ भी हम राय कर सकते हैं। इस वास्ते मैं इतनी छोटी बात में गुजारिश करता हूँ कि जो कासिम साहब ने हमारे साथ बहुत ज्यादा किया, टांगरी बहादुर के लोगों को एक सीट देनी चाहिए थी, टांगरी बहादुर के लोगों को सीट देनी चाहिए थी, ये पूरी पूरी सपोर्ट करनी चाहिए थी उसको, मगर उसने बहुत बड़ी ज्यादा की है हमारे साथ, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस वास्ते आइंदा हम सारे बैठ के टांगरी बहादुर के जितने तलक वास्ते सोच के सलाम मशवरा करके जितने ज्यादा इकट्ठे जाएंगे। सलाम वालेकुम।